खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां किरण यादव पत्नी संजय यादव ने पुलिस के प्रति शंका जाहिर करते हुए कहा उनके पति जहानागंज ब्लॉक प्रमुख संजय यादव जो जिला कारागार कासगंज में बंद है, उनकी पेशी 3 मार्च 2021 को आजमगढ़ न्यायालय में है। उनके ऊपर आजमगढ़ व गाजीपुर के न्यायालय में कई मुकदमे चल रहे हैं। जैसा कि पूर्व में समाचार व प्रिंट मीडिया के माध्यम से देखने को मिला है कि लंबी दूरी से मुलजिम को लाने व ले जाने में फर्जी मुठभेड़ दिखाकर एनकाउंटर कर दिया जाता है। मुझे संदेह है मेरे पति के साथ भी ऐसा न हो जाए। उनकी सुरक्षा के लिए महामहिम राष्ट्रपति, न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय इलाहाबाद, महामहिम राज्यपाल एवं तमाम अधिकारियों के यहाँ सुरक्षा हेतु मांगी है, जिससे कि उनके पति के साथ ऐसा न होने पाए। आगे किरण यादव ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले से जहानागंज ब्लॉक प्रमुख संजय यादव की पत्नी हूँ। हमारे पति को अवैध तरीके से जाल साजिश के तहत फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है, जो कासगंज जेल में बंद है। हमारे पति के पेशी 3 मार्च 2021 आजमगढ़ जिले में है, पेशी है। हमारा संदेश है कि हमारे पति की हत्या की जा सकती है, इनकाउंटर की किया जा सकता है। हम पेपर द्वारा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, अन्य प्रशासन लोगों को बता चुके हैं। मुझे देखने का मिलता है पेपर में और टीवी में फर्जी तरीके से इनकाउंटर किया जा सकता है। कोई हमारे पति के साथ हो सकता है। मैं केंद्र और सरकार से यही सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पति की जान की रक्षा की जाए।